पिताजी मरने से पहले कोई बात बताने वाले थे, वो कौन सी बात है? क्या किसी को पता है? हमें नहीं पता मगधीरा। सरकार के मरने के बाद अब तुम ही हमें रास्ता दिखा सकते हो। पता नहीं पवल मल्ली को क्यों उठा कर ले गए हैं। गुलामी की जिंदगी जी रहे हम लोगों को और मेरी बेटी को अब तुम ही बचा सकते हो मगधीरा। पहले से ही तुम्हारे पिता भेष बदलने में बहुत माहिर थे। तुम भी अपने पिता की तरह वेताल का भेष बदलकर वेताल किले में जाकर जीत हासिल कर सकते हो बेटा। सुनो मगधीरा, आज से तुम ही हमारी सरकार हो, ये काम तुम ही कर सकते हो। अपने आप पे भरोसा है मुझे, लेकिन हम आम इंसान की शक्तियां सीमित हैं, हम उनसे कैसे जीत पाएंगे? उसके लिए मेरे पास एक रास्ता है। ये दवा, ये कोई साधारण दवा नहीं है। जहां आज तक मनुष्य के कदम नहीं पड़े, वैसे अद्भुत गुफा से निकाले गए जड़ी बूटी का रस है इसमें, और इसको पीने से रक्त की गति बहुत तेज हो जाती है, पूरा बदन फुर्तीला हो जाता है और एक अजब शक्ति का संचार होता है। और इससे जो शक्ति मिलेगी वो शक्ति उन बेतालों की शक्ति के बराबर होगी, और हम भी उनकी तरह हवा में ऊपर उड़ सकेंगे और पूरी शक्ति से लड़ सकेंगे। परंतु एक छोटी सी समस्या है, अभी मैंने जो ये दवा बनाई है इससे कोई 8 निमिष तक ही बेताल बनकर रह सकता है, और अवधि समाप्त होते ही वो साधारण मनुष्य बन जाता है। इसे पी कर देखो। पीछे अब तुम मगधीरा नहीं हो, अपने आप को बेताल समझकर उड़ने की कोशिश करो। ये तुम कर सकते हो, ऊपर उड़ सकते हो। उठो, हमें नामुमकिन अगर कुछ है तो वो है कोशिश ना करके देखना। आपने शक्ति की दवा तैयार करके साबित कर दिया कि सब कुछ मुमकिन है। मगधीरा, वेताल किले में घुसना कोई आसान काम नहीं है। उससे पहले तुम्हें मच्छकूटर नाम के एक बुजुर्ग से मिलना होगा, सिर्फ वही वेताल किले के बारे में सारा रहस्य बता सकता है। कहते हैं वो 180 साल का है। 180 साल? एक और बात, उत्तर में कांगनी नाम का एक और वेताल देश है, वहीं से 5 साल में एक बार वैद्य लोग दवा बनाकर किले में ले जाते हैं। वेतालों को बार बार खून की बीमारी होती है जिसके लिए वही दवा काम आती है। इसका क्या कारण है कोई नहीं जानता, लेकिन इस बार 8 साल से वहां कोई नहीं गया। इसलिए तुम लोग एक काम कर सकते हो, कांगनी देश से दवा लेकर आए हो ये कहकर वेताल किले में आसानी से घुस। तुम अपनी मदद के लिए किसी को भी साथ ले जा सकते हो। दोरंगी और सामा मेरे साथ चलेंगे। हाँ, क्यों नहीं? इसने तो कहा था मुझे प्यार करना सिखाएगा, लेकिन लगता है अब कल होने वाली मेरी सुहागरात को भी नहीं होने देगा। ठीक है सब लोग जल्दी जाके सो जाओ, सुबह जल्दी जाओ, उठना है। अब मैं उठूं या ना उठूं क्या फर्क पड़ता है, सुहागरात तो नहीं होगी ना। क्या होने वाला है? Thank you.
नहीं बढ़ रहा है, शायद किसी को देख के डर गया है। क्या देखा होगा इसने? क्या हुआ मगधीरा? गांव के बुजुर्गों ने कहा था ये नजर न आने वाले बोनों का इलाका है, इस पहाड़ी इलाके को हमें जल्द पार करना होगा। नजर न आने वाले बोने किस तरफ होंगे? तो अभी चारों तरफ घूम के उन्हें प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम सरकार, प्रणाम भैया जी। मुझे एक संदेह है। क्या है? ये नजर न आने वाले बोने कपड़े पहनते हैं क्या? बोने हैं, किसी को नजर तो आएंगे नहीं, इसलिए कपड़े उतार के ही घूमते होंगे। तब तो लड़कियां भी क्या ढूंढ रहे हो? ए बेताल, किसे चालाकी कर रहे हो? राजा के साथ तीर छोड़ो। अब दूसरा तीर छोड़ो। अब मैं अपना निशाना दिखाता हूँ। चक्रवर्ती राजा को तो मौका दो। बाप रे, तीर लगा क्या? मैंने जानबूझकर ही बाजू में दिया। क्या ताली बजाओ। देखो बेहोश हो। तुरंत पहुंचना है। मुक्ति मुक्ति। अब और इंतजार मत करो, हम बौने लोगों की दुनिया को खत्म करने आए इन बेतालों को और बोलने वाले पक्षी को जहरीले कीड़ों से कटवा कर मार डालने का हुक्म देता हूँ। पापा रुक जाइए। उस बेताल की आंखों को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो बुरा आदमी है। उनसे पूछताछ करने के बाद सजा दे सकते हैं ना? घुमाना बंद करो, उन बेतालों का सिर्फ मुंह खोलो। बोनों के राजा जी, हम वेताल नहीं है, वेताल के भेष में हम तीनों साधारण मनुष्य हैं। हम वाग्य नगर से आ रहे हैं और मेरी सपनों की रानी पवन मल्ली को वेताल उठा के ले गए हैं। ये कैसा अन्याय है? बस उसे बचाने और अपने गांव की मिट्टी और अपने गांव को बचाने के लिए हम उस वेताल किले को ढूंढने जा रहे हैं। ये बात है। सिपाही, उसके दांत निकाल कर देखो। अच्छा हुआ बेचारों को हमने मारा नहीं। पहले इन तीनों के बंधन खोल दो। शाबाश बेटी, शरीर के मुताबिक ही दिमाग है। कीड़े मकोड़े जैसे हैं और क्या नाच नचा रहे हैं। मैं हूँ बौने लोगों का राजा कॉर्के न्यूटन, और ये है मेरी बीवी फ्लेमिंग सुंदरी, और ये मेरी इकलौती बेटी आइंस्टीन कामाक्षी।
बेताल लोग हम बौनों के भी दुश्मन हैं। जब वो सोमरस पीते हैं तो हमें लकड़ियों से चुभो चुभो कर मजे लेकर खाते हैं। राक्षस है वो लोग। हमारी जनसंख्या कम होने का कारण वही लोग हैं। ठीक है, हाँ बोलिए दोस्तों, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बेताल किले में जाने के लिए रास्ता जानना चाहता हूँ। वो नाम क्या है उनका? मुच्चकोटे। नहीं, मच्छकूड़न। हाँ हाँ, वही मच्छकूड़न से पहले मिलना होगा। हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। जानते हैं? वो भविष्य बताते हैं। किले के अंदर जाकर बाहर आने का रास्ता उनको छोड़कर और कोई नहीं बता सकता। हाँ बिल्कुल, वही चाहते हैं। उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ, एक काम करता हूँ, हमारे उड़ने वाले दलपति अल्बर्ट को और कांट खाने वाले दलपति पीटर को आपके साथ भेजता हूँ। जी आपका शुक्रिया राजा जी। पापा, मैं लड़की हूँ इसलिए आपने मुझे युद्ध में हिस्सा नहीं लेने दिया, लेकिन इन वीरों के साथ मैं युद्ध में जाऊँगी। कृपा करके मुझे अनुमति दीजिए पापा। मेरी बेटी कामाक्षी भी तुम लोगों के साथ जाएगी। धन्यवाद जी। अल्फा बीटा कामा, जंग जीत कर ही वापस आना। यस आज्ञा महाराज। बीटा, यही है उस बुजुर्ग मच्छकुडन का घर। सरकार, सरकार, सरकार। अरे ये क्या, ये घर हिल क्यों रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है। प्रणाम जी। सरकार, मैं कोटकर न्यूटन की बेटी कामा हूँ। इनका नाम मगधीरा है। ये मुसीबत में है, आप अगर मदद। मगधीरा, सिर्फ तुम मेरे पास आ जाओ।